आपको बताते चलें कि लखनऊ राजधानी मोहल्ला बरी कलां बीते दिन एलडीए के कई निर्माण तोड़ने आए बुलडोजर को देखकर महिला सदमे से बेहोश हो गई थी। वहां के निवासियों का कहना है कि हम लोगों के पास, यहां के निवासियों के पास किसान द्वारा रजिस्ट्री है, कराई गई है। 143 के तहत किसान द्वारा काबिज किए गए हैं लीगली तरीके से, किसने हमको रजिस्ट्री की है, हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट है। निवासियों का कहना है कि नगर निगम में टोल टैक्स जमा करते हैं, काफी समय से हम लोगों ने अपने आलीशान मकान बनाकर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ का मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी माँ बहन यहाँ के मंदिर में पूजा करती हैं। यहाँ दूर तक कोई मंदिर नहीं है, एलडीए प्रशासन मंदिर को भी तोड़ना चाहता है। वहाँ के निवासियों ने बताया कि बीते दिन लड़ा द्वारा जो 8 से 10 मकान तोड़े गए हैं, आईडीए अधिकारी कर्मचारियों ने मकान के अंदर से वहां के निवासियों को सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया और ना ही हम निवासियों को कोई नोटिस तोड़ने से पहले जारी किया गया। यहां के निवासियों ने बताया कि पहले भी लड़ा प्रशासन कई बार आ चुका है, जिसके चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एलडीए प्रशासन के ऊपर जबरन बुलडोजर चलाने का मोहल्ला निवासियों ने आरोप लगाया है। थाना ठाकुरगंज बरी कलां क्षेत्र में अवैध भूमि पर एलडीए का बुलडोजर चला। मोहल्लावासी निवासियों का कहना है कि एलडीए अधिकारी द्वारा बिना नोटिस दिए गी मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं लखनऊ राजधानी के थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत बरी कलां क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ पर कई दिनों से विवाद चल रहा है और मकान एलडीए प्रशासन तोड़ रहा है, कई 7-8 मकान पीछे तोड़ भी चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 143 के तहत उनके पास दाखिल खारिज भी है, उनके पास रजिस्ट्री भी है और इन मकानों का हॉल टैक्स नगर निगम में जमा किया जाता है। उसके बावजूद भी एलडीए प्रशासन जो मकान तोड़ रहा है, यहाँ के लोगों को कोर्ट का ऑर्डर, न्यायालय का ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। यहाँ के निवासियों का कहना यह भी है कि हमारे पास कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद भी एलडीए प्रशासन जबरन हमारे मकानों को तोड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है, काफी समय से ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू भाइयों की, यहाँ पर लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर पूजा पाठ माँ बहने करने आती हैं और यहाँ पर आसपास दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है। इस मंदिर को इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ के लोगों को, भाइयों को परेशानियां ना हो पूजा पाठ करने की। यहाँ महिलाएं पूजा पाठ करने आती हैं और यहाँ पर इस मंदिर को भी तोड़ने की कसर एलडीए प्रशासन नहीं छोड़ रहा है। जब पत्रकारों ने एलडीए प्रशासन के अधिकारियों से बात करना चाहिए और उन्होंने सवाल रखे कि यहाँ के लोगों के पास जो निवासी है, मकान बना है, आलिशान मकान बन गए हैं, यहाँ के निवासियों के पास बाकायदा रजिस्ट्री है, 143 है और बाकायदा इनका हॉल टैक्स जमा करते हैं, इनके पास पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तैयार है, आपके पास कोई ऑर्डर है? वहीं पर अधिकारी ने तुरंत पत्रकार से वार्तालाप करते हुए कहा कि मैं कौन होता, मैं आपको बताने वाला कौन होता, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप कौन होते पूछने वाले। एक पत्रकार से उलझलूल बात करी गई। अब आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं जिनके मकान तोड़े गए हैं, आप उनसे बात कराता हूँ। ये पंडित जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं। पंडित बताइए क्या मामला है? सर मेरा मकान परसों बीसी साहब यहाँ आए थे और बीसी साहब कह गए थे यहाँ देख करके कि प्रसाद खाया, मेरा सत्संग चल रहा था, प्रसाद खाया और मुझे सड़क पे बुलाया अलग और कहने लगे पंडित जी तुम यहाँ के पुजारी हो, तुम्हारा मंदिर है? मैंने कहा जी हाँ मेरा मंदिर है, मैं ही यहाँ का पूजा करता हूँ। तो कहने लगे आप, वो अपने अधिकारियों से बोले देखिए ये पंडित जी का ये मंदिर जो है, मंदिर परिषद छोड़ करके बाकी जो यहाँ पे बने हुए हैं उनको गिराया जाए, ये मंदिर और मंदिर परिषद न गिराया जाए, ये अपने अधिकारियों के सामने कह करके चले गए। सुबह एलडीए के अधिकारी आ करके जबरदस्ती मेरे मंदिर और मेरे परिषद को गिराने की कोशिश करने लगे। हमने मना किया और कहा कि बीसी साहब मना कर गए हैं मंदिर के लिए, आप मंदिर न तोड़िए। तो वहाँ के अधिकारी और पुलिस पर मेरे पे हावी होने लगा, तब मैं छत के ऊपर चढ़ गया और अपने पोती पोता को लेकर के। अच्छा एक बात ये बताइए पंडित जी, आप यहाँ के पुजारी हैं और आपका मंदिर प्रशासन है, पीछे आप खाना पीना बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जी हाँ, आप ये बताइए आप ये क्यों कह रहे हैं कि मकान बकाया तोड़ दीजिए, मंदिर न तोड़िए? ये अधिकारी लोगों ने अपने अधिकारियों से कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि मकान तोड़ दे हमारा और मंदिर तोड़ दे? नहीं क्यों आप कह रहे? नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या ये की भूमि है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बीसी यहाँ आए थे मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा मंदिर छोड़ा जाएगा, अपने अधिकारियों से वो बोल रहे थे कि बाकी साफ कर देना, मंदिर न गिराएगा। आपने एलडीए बीसी से ये सवाल किया
कि आपके पास न्यायालय का तोड़ने का ऑर्डर है? नहीं, मैंने ये उनसे प्रश्न नहीं किया, ये प्रश्न नहीं किया। नहीं, जो अधिकारी आते हैं अभी, जो जितने अधिकारी आए तोड़ने आए, तोड़ा, उन लोगों ने ऑर्डर न्यायालय का दिखाया तोड़ने का? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, न कोई नोटिस दी। सतीश कुमार शुक्ला। सतीश कुमार, आप देख सकते हैं कि सतीश कुमार शुक्ला जी कितना परेशान है, और यहाँ पे बहुत से लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भाई खड़े हैं, ये सभी लगभग यहाँ पर सभी के मकान हैं, और ये लोग अपने मकानों को तोड़वा चुके हैं, और इनका सामान अभी भी मकानों में दबा हुआ है जो निकाल नहीं पाए। आईडी प्रशासन ने इनको सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया और जबरन बिल्डोजर चला दिया। अब मैं यहाँ से अनुप शुक्ला जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बहुत पीड़ित हैं, इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहूंगा। अनुप शुक्ला जी बताइए क्या मामला है? सर, मामला ये है कि कल जो आए थे एलडीए के अधिकारी, पीसी वगैरह, बीसी तो नहीं आए थे, एसडीएम आए थे एलडीए के, तो मकान तोड़ने की बात कर रहे थे। मकान में बच्चे, बाल बच्चे सब रहते हैं, है? मंदिर है हमारा, सत्संग होता है, भजन कीर्तन होते हैं हर हफ्ते, कीर्तन भजन सत्संग तब होता रहता है, तब भी वो मंदिर तोड़ने के लिए बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और उस पर बोला कि ये नहीं होगा, मंदिर नहीं टूटेगा इतनी जल्दी, तब भी वो लोग माने नहीं और पीछे से बुलडोजर लगा दिया था। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने बाल बच्चों को ऊपर से फेंकने की और पेट्रोल वगैरह डालने की धमकी देते हुए, जब उनको डराया और डाल लिया पेट्रोल, माचिस लगाने की देरी रही, तब वो लोग भाग गए। आप देख सकते हैं कितना पीड़ित है यहाँ के निवासी, कितना पीड़ित है, यहाँ तक कि अपनी जान देने को उतारू हो गए, पेट्रोल तक डाल लिया, मगर प्रशासन को दया नहीं आई। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, जो मंदिर में पूजा करते हैं। अभी एलडीए के प्रशासन आए थे और एलडीए के कुछ अधिकारी गण आए थे, जो पत्रकारों से उल जलूल बातें भी की थी उन्होंने। पत्रकारों ने जब सवाल किए थे तो उन्होंने सीधे कहा कि मैं आपको सवाल का जवाब क्यों दूं, आप कौन होते हैं? दूसरी चीज, जबकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, किसी भी अधिकारी से किसी भी समय कोई भी अगर घटित घटना हो रही है तो उसे वार्तालाप कर सकता है, वार्तालाप करने का पत्रकार का अधिकार होता है। यहाँ पर अधिकार का खंडन किया गया है, पत्रकार से भी उलझलूल बातें की गई हैं। मंदिर प्रशासन के जो पंडित जी हैं, पूजा करने वाले पंडित जी, इनको जबरन अभी चुपके से गाड़ी में बैठा के दो अधिकारी लेके जा रहे थे। अब मैं पंडित जी से पूछना चाहूंगा, वो अधिकारी कहाँ लेके जा रहे थे आपको गाड़ी में बैठा कर अकेले? पंडित बताइए क्या मामला? सर, ये मुझे मालूम नहीं है, कहाँ हमें लिए जा रहे थे गाड़ी में, पहला फुसला के मुझे गाड़ी में बैठाने की कोशिश किया, लेकिन हमारे और पत्रकार भाई सब खड़े हुए थे, इसलिए वो लोग मुझे गाड़ी में नहीं बैठा पाए, लिहाजा मैं फंस गया, वो हमें लिए जा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, आज यहाँ पर जब खड़े थे तो एलडीए प्रशासन नहीं आया। क्यों नहीं आया? एलडीए प्रशासन को जैसे कल बिल्डोजर चला रहा था पुलिस बल के साथ, आज भी बिल्डोजर चलाना चाहिए, पत्रकार को रोक थोड़ी लेते। अगर तुम्हारे पास लीगल है, अनलीगल नहीं है तो आप अपना बिल्डोजर चलाते, हम तो नहीं रोकते। आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप यहाँ के लोगों को दबाव बना रहे हैं, भूमि को खाली करा रहे हैं, जिसमें आस्था जुड़ी है लोगों की, जिस मंदिर में माँ बहनें पूजा करती हैं उस मंदिर को आप तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ राजधानी से भारतीय समाचार से जनाब खान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।